नमस्कार दोस्तों, आज की मूवी डंकर एक सर्वाइवल मूवी की कहानी है। ये कहानी है 1940 की, जब वर्ल्ड वॉर दो का दौर चल रहा था। उसी समय फ्रांस में लाखों ब्रिटिश सोल्जर्स डंकर बीच में फंसे हुए थे, जहां फ्रेंच सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स को मदद कर रहे थे। दरअसल उस समय हिटलर के शासन में जर्मन सोल्जर्स काफी पावरफुल हो गए थे और जर्मन सोल्जर्स फ्रांस, नेदरलैंड और बेल्जियम को ऑलरेडी कब्जा कर चुका था। मूवी में पहले हमें तीन टाइमलाइन बताया जाता है। पहला टाइमलाइन द मोल, यानी के बीच के जो भी कहानी है वो बताया गया है, जो 1 वीक का होता है। दूसरा है समुन्दर, जहाँ मिस्टर डटसन उनके बेटे और बेटे के दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ एक दिन की कहानी है। तीसरा है एयरफोर्स, जो हमें फाइटर प्लेन की कहानी बताता है, जो कि सिर्फ 1 घंटे की कहानी होती है। ये तीनों टाइमलाइन की कहानी मूवी के आखिर में एक दूसरे से मिलते हैं। फिर मूवी शुरू होता है। मूवी के शुरुआत में टॉमी अपने साथी सोल्जर के साथ डंकर के सड़कों पर भाग रहे थे। पीछे से जर्मन सोल्जर्स उनके ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं, जिसे टॉमी के अलावा सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। टॉमी अपनी जान बचा के ब्रिटिश सोल्जर्स के पास पहुंच जाता है। फिर टॉमी डंकर के बीच पर पहुंचता है। फिर वो बीच में लाखों सिपाहियों को देखता है, जहां ब्रिटिश सिपाही के साथ फ्रेंच सिपाही भी होते हैं, जो कि लाइन में लगे होते हैं ताकि गवर्नमेंट उन्हें बाहर निकाले। और वहां हजारों के तादाद में लाशें भी गिरी होती है। फिर टॉमी जिप्सन नाम का एक लड़के को देखता है, जो कि एक लाश को दफना रहा होता है। ये देख टॉमी भी उसका हेल्प करता है। फिर वे भी जाके लाइन में लग जाते हैं। तभी वे लोग ऊपर में जर्मन एयरफोर्स को देखते हैं, जो कि इन लोगों पर बम गिराने लगते हैं, जिससे बहुत सारे सिपाही मर रहे होते हैं। ये सब देख टॉमी बहुत डर जाता है। चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आता है। बम से बचने के लिए सारे सिपाही जमीन में लेट जाते हैं। टॉमी के आसपास सारे सिपाही मर जाते हैं। किस्मत से टॉमी बच जाता है। फिर जर्मन एयरफोर्स वहां से चले जाते हैं। बचे हुए सोल्जर्स दोबारा लाइन में लग जाते हैं। फिर हमें डंकर बीच दिखाया जाता है, जहां ब्रिटिश सोल्जर्स को लेने के लिए शिप लगी होती है। दरअसल बीच में लाखों के तादाद में सोल्जर्स फंसे हुए होते हैं, जिनमें सिर्फ 45,000 सोल्जर्स को ही बचाया जा सकता है। इसे टॉमी और जिप्सन एक घायल सोल्जर के बहाने ये लोग शिप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन शिप में घुसते समय उन्हें पता चलता है शिप में पहले ब्रिटिश सोल्जर को बचाया जाएगा। दोनों शिप में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिलहाल शिप में कोई जगह नहीं होता, जिससे वे लोग शिप से उतर जाते हैं। फिर ये दोनों मॉल में चढ़ जाते हैं और दूसरी शिप आने तक वेट करते हैं। दरअसल मॉल का मतलब पत्थर से बना एक रास्ता, जो समुद्र के कुछ अंदर तक जाता है। इधर कमांडर बोल्टर बोलते हैं, पहली शिप जर्मन अटैक से नष्ट हो चुका है, इसीलिए उसे मॉल से दूर कर दिया जाए। शिप में अटैक होने से वे डूब रही थी और उसमें बचे सोल्जर जान बचाने के लिए पानी में कूद रहे थे। ये दोनों पानी में डूब रहे एक सोल्जर्स को बचा लेते हैं, जिसका नाम एलेक्स होता है। फिर तीनों पानी से निकल जाते हैं और रात के समय अलग शिप में सवार हो जाते हैं। फिर वे लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं और चाय बिस्कुट खाते हैं। तभी इस शिप में भी अटैक होता है। इस बार पानी के अंदर से हमला होता है, जिससे ये शिप भी डूबने लगती है। यहाँ टॉमी और एलेक्स शिप के अंदर फंस जाते हैं। तभी जिप्सन आके उन्हें बचा लेता है। फिर तीनों किनारे में वापस आ जाते हैं और तीनों उदास होके किनारे पे बैठ जाते हैं और कुछ सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि लाइफ बोट के सहारे समुन्दर को पार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। चारों तरफ डिप्रेशन का माहौल होता है। लाखों सोल्जर्स के तरह ये तीनों भी मदद के लिए वेट करते हैं। फिर हमें दूसरे टाइमलाइन में ये दिखाया जाता है, मिस्टर डटसन की तरफ से मदद आ रहा है, जो एक ब्रिटिश नागरिक है, जो अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए अपनी बोट के सहारे डंकर बीच में आ रहे हैं। मिस्टर डटसन की तरह और कई सारे लोग डंकर में जा रहे थे अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए। दरअसल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल ने हेल्प मांगा था। वैसे ब्रिटिश के पास बहुत बड़ी बड़ी शिप होती है, लेकिन डंकर के बीच में पानी का स्तर कम था, जिसे बड़े शिप को वहां ले जाना मुश्किल था। इसीलिए चर्चिल ने आम नागरिकों को मदद करने के लिए बोले थे। इसीलिए बहुत सारे लोग अपनी नाव को लेके डंकर में जा रहे थे। मिस्टर डटसन की बोट का नाम मूनस्टोन था। डटसन के साथ उनके बेटे पीटर और पीटर के दोस्त जॉर्ज भी होता है। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ रहे थे, उन्हें फाइटर प्लेन और एक शिप नजर आता है, जो कि कुछ सोल्जर्स को लेके जा रहे थे, जिसे इन्हें पता लग जाता है ये लोग डंकर के नजदीक आ गए हैं। तभी समुन्दर के बीच में एक सोल्जर्स को देखते हैं, जो कि एक नाव के मलबे के ऊपर बैठा होता है। डटसन उस सोल्जर को अपनी शिप में ले लेते हैं।
सोल्जर बहुत शौक में था, वो बात भी नहीं कर पा रहा था। फिर जब उस सोल्जर को पता लगता है कि ये लोग डंकर के तरफ जा रहे हैं, सोल्जर चिल्ला के बोलता है, वहाँ मत जाओ, वहाँ सिर्फ मौत है, मुझे घर जाना है, मुझे वापस घर ले चलो। पर डॉटसन उसे मना कर देता है और दूसरे सोल्जर को बचाने के लिए आगे निकलता है, जिसे ये सोल्जर गुस्सा हो जाता है और बोट को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, जिसे जॉर्ज के साथ उस सोल्जर का हाथापाई हो जाता है, जिसे जॉर्ज के सिर पे चोट लग जाता है। ये देख पीटर जॉर्ज को संभालता है और उसके घाव को भरने की कोशिश करता है। इधर डॉटसन बोट को डंकर के तरफ ले जाता है, इधर वो सिपाही भी फिलहाल के लिए शांत हो चुका होता है। इधर टॉमी, एलेक्स और जिप्सन उस स्कॉटिश सोल्जर के साथ एक वीरान पड़ा हुआ बोट के पास जाते हैं, जो कि समुन्द्र किनारे से थोड़ा दूर होता है। फिर उन्हें वहां बोट के ओनर नजर आता है, जो कहता है ये बोट दरअसल ब्रिटिश पैरामीटर से दूर है, यहां पर कभी भी अटैक हो सकता है। तभी वहां पे अचानक गोलियां चलने लगती है। दरअसल जर्मन सोल्जर्स को ये नहीं पता होता है इस बोट में कोई है या नहीं, वे लोग सिर्फ गोलियां चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद गोली चलना बंद हो जाता है, अब समुन्द्र का पानी भी बढ़ चुका होता है। गोलियां चलने से बोट में जो छेद हुआ था उससे बोट में पानी घुसने लगता है, जिससे बोट अब पानी में तैर नहीं सकता। फिर उन्हें लगता है बोट के ऊपर कुछ ज्यादा ही लोग हो चुके हैं, अगर कुछ लोगों को पानी में फेंक दिया जाए तो ये बोट फ्लोट कर पाएगी। तभी एलेक्स जिप्सन पर इल्जाम लगाता है कि वो एक जर्मन जासूस है, इसलिए वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा, शायद उसे इंग्लिश आता ही नहीं। तभी टॉमी जिप्सन का डिफेंड करता है, दरअसल जिप्सन एक फ्रेंच सोल्जर है जो दूसरे किसी सोल्जर्स का यूनिफॉर्म पहना था, वो भी बाकियों की तरह अपने घर पहुंचना चाहता है। इधर इस सब के बीच बोट धीरे धीरे समुन्द्र के अंदर जा रहा होता है। फिर हम तीसरे टाइमलाइन को देखते हैं, जहां हमें तीन फाइटर प्लेन को दिखाया जाता है, जहां ये फाइटर प्लेन उन शिप्स को रखवाली कर रहे होते हैं जो शिप इन सोल्जर्स को ले जा रहे होते हैं, और जर्मन फाइटर प्लेन के साथ लड़ाई भी कर रहे होते हैं। इनमें से एक प्लेन क्रैश होके समुन्द्र में गिर जाता है। अब हमें दूसरे प्लेन को दिखाया जाता है, जो कि जर्मन के बम्बर के सामने प्लेन डैमेज हो जाता है। फिर पायलट ना चाहते हुए भी प्लेन को पानी में लैंड करना पड़ता है। तभी मिस्टर डॉटसन का बोट वहीं से गुजर रहा था, पायलट मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, पायलट प्लेन के अंदर ही फंस गया था। तभी पीटर और डॉटसन प्लेन के पास पहुंच जाते हैं और पायलट को बचा लेते हैं। इधर तीसरे प्लेन का फ्यूल पाइप डैमेज होने के कारण उसकी फ्यूल भी कम हो रही थी, जिससे पायलट फ्यूल के हिसाब से उसे प्लेन उड़ाना होगा। अब आसमान में ब्रिटिश के सिर्फ एक ही प्लेन बचा था, जिसका पायलट फेरियर होता है। अब ये वो समय था जहां तीनों टाइमलाइन मिल रहे थे, जहां आसमान में फेरियर का प्लेन भी है और टॉमी, एलेक्स, जिप्सन का बोट भी है और डॉटसन भी है। इधर जर्मन सोल्जर के फाइटर प्लेन टॉमी, एलेक्स, जिप्सन के बोट में बमबारी कर देते हैं, जिससे उनका बोट डूबने लगता है और सारे सोल्जर पानी में कूद जाते हैं और तैर के एक बड़ी शिप को जाने की कोशिश करते हैं। तभी उस शिप को भी जर्मन सोल्जर हवा से बम गिरा के उड़ा देते हैं। फिर फेरियर और जर्मन सोल्जर्स के बीच एयर फाइट होता है। इधर डॉटसन और पीटर पानी में तैर रहे सारे सोल्जर्स को बचा लेते हैं। ऊपर से फेरियर उनके बोट को सिक्योरिटी देते हुए वहां से निकाल देता है, लेकिन जिप्सन उस बोट से निकल नहीं पाता और वहीं पे मर जाता है। इधर डॉटसन बड़ी ध्यान से अपनी बोट को लेके उधर से निकल जाता है, क्योंकि पानी में बहते तेल की वजह से शिप में आग लग सकती थी। इधर पीटर को पता लगता है जॉर्ज उस चोट के वजह से मर चुका है, लेकिन पीटर ये बात उस सोल्जर को नहीं बताता। फिर डॉटसन कहता है, मेरा बड़ा बेटा भी ब्रिटिश सोल्जर में था जो वॉर के समय अपनी जान गंवाया था, इसीलिए डॉटसन कहता है वो सोल्जर डरा हुआ है, जिसके वजह से वो उसे मारा था, वो उसे जानबूझ के नहीं मारा था, हमें ये बात उसे बता के उसे और दुख नहीं देना चाहिए। अब डॉटसन का सिप भर चुका था, डॉटसन उसका काम पूरा कर चुका था। वहाँ पे ऐसे और भी दूसरे सिप जो कि अपने सोल्जर्स को बचा रहे थे। इधर ऊपर फेरियर भी उन्हें कवर दे रहा था, इधर सोल्जर्स भी फेरियर को हौसला दे रहे थे। फेरियर जर्मन का आखिरी प्लेन को भी नष्ट कर देता है। इधर डॉटसन का सिप भी इंग्लैंड के तरफ निकल पड़ता है। फिर हमें वोल्टर को दिखाया जाता है, जो कहता है सिविलियन के वजह से 3 लाख सोल्जर को बचाया जा सका है, जबकि हम 45,000 सोच रहे थे। फिर वोल्टर कमांडर को कहता है, अब हमें फ्रेंच सोल्जर्स को भी बचाना होगा, इसलिए मैं यहीं रुकूंगा। इधर फेरियर एक जगह लैंड करके अपनी प्लेन को आग लगा देता है। यहां सारे सोल्जर्स इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। टॉमी और एलेक्स ट्रेन में जा रहे हैं, जहां टॉमी एक पेपर पढ़ता है, जहां लिखा है ऑपरेशन डंकर कामयाब हुआ।
तभी वे लोग ट्रेन के बाहर देखते हैं, सब लोग तालियां बजा के उनका स्वागत कर रहे होते हैं। मूवी यहीं पे खत्म होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।